सर मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, तो आपके पास डाउट ये है और आपको लगता है कि आप अंग्रेजी सीख सकते हैं या नहीं, क्योंकि आप बिहार से हैं। यस एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं? क्योंकि सर मैं बहुत सारे कोचिंग में गए थे, हमको कुछ नहीं यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से देखे तो हमको पता चला कि नहीं हमारे लिए कोचिंग अच्छा है, इसलिए हमें यहाँ पर चले आए। अच्छा, ये मुझे लगता है इनसे ज़्यादा आप लोगों को जानने की ज़रूरत है कि मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ क्योंकि मैं बिहार से हूँ। देखिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आप कौन हैं, कहाँ से हैं, किस बोर्ड से हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई करी है, आपका क्या बैकग्राउंड है, ये कभी से मायने नहीं रखा है। मायने क्या रखता है वो जानना ज़रूरी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता दोस्त, आपका नाम क्या है? मेरा नाम, माय नेम इज पंकज कुमार गुप्ता अच्छा, है। पंकज नाम है आपका। यस आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? सर, मैं बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ। अच्छा, बीकॉम फाइनल ईयर में। यस सर, क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि बचपन से या तो आपने इंग्लिश पर ध्यान नहीं दिया? सर इंग्लिश पर ध्यान दिए हैं, बाकी हमको अच्छा गाइडलाइन नहीं मिला। अच्छा, पहला तो रीजन ये है कि या तो आपने अंग्रेजी पर ध्यान नहीं दिया, आपने कहीं ना कहीं काम चोरी करी है। दूसरा, एक अच्छा गाइडलाइंस नहीं मिला, क्योंकि ज्यादा समस्या यहां भी रहती है। और तीसरा, कि टीचर्स ने भी इग्नोर किया। यदि आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, इंग्लिश में भी ये चीज होता है, लेकिन हिंदी में ज्यादा होता है कि टीचर ने क्या कर दिया, उस चीज को इग्नोर कर दिया। अच्छा, अब ये सवाल इसलिए आया क्योंकि हो सकता है कि अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ये भाई साहब बहाने दे रहे हैं। जो सबसे बेहतर मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये होगा कि बजाय एक्सक्यूजेस देने के और ये बोलने के कि मैं यूपी बोर्ड से हूं, बिहार बोर्ड से हूं, बंगला बोर्ड से हूं, उड़िया बोर्ड से हूं, राजस्थान बोर्ड से हूं, या किसी भी बोर्ड से हूं, आपने अब तक जो गलतियां करी कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये मिस्टेक था या जो भी था, कम से कम अब आपको फोकस करना है। अब सवाल ये है, फोकस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सही डायरेक्शन की तलाश है। और एक बार फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, आप किसी भी बोर्ड से हो सकते हैं, ये मायने नहीं रखता है। हो सकता है कि जो बच्चा एक अच्छे स्कूल से है या जिसका माहौल, कहने का मतलब आसपास के लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं, तो उसको अच्छा माहौल मिला तो वो जल्दी सीख जाएगा। वेरी सून उसकी जो एक्सेंट होगी, प्रोनंसिएशन वगैरह, वो आपसे ज्यादा बेहतर होगी। आपको जो कि बचपन से, मैं मान लेता हूं पंकज की ही बात, कि पंकज को बचपन से ऐसा माहौल नहीं मिला, तो हो सकता है कि पंकज को प्रॉब्लम हो, पंकज वी को भी बोलेंगे और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो गलत बोलेंगे। इसमें पंकज की कोई गलती नहीं है, आप भी सीख सकते हैं और बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आप ये बच्चा जो बहुत जल्दी सीख रहा है, आपकी रफ्तार क्या होगी? थोड़ी सी स्लो होगी, कोई बात नहीं, घबराना बिल्कुल भी आपको नहीं है दोस्तों। आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज कि रीडिंग पर फोकस करना है, और रीडिंग से भी ज्यादा आपको सबसे पहले किस चीज पर फोकस करना है? लिसनिंग। बाबू, आप जो सुनेंगे वही तो बोलेंगे ना। अब आपके फोन में भोजपुरी गाने होंगे, आपके फोन में हरियाणवी गाने होंगे, आपके फोन में पंजाबी गाने होंगे, और पूरे दिन आप ये गाने सुनेंगे, डायलॉग सुनेंगे, मूवीज मस्ती करेंगे, वल्गर वीडियोस देखेंगे, तो आपके माइंड में तो कचरा ही जा रहा है ना। तो क्या आप कभी एक अच्छे स्पीकर और अच्छे इंसान बन पाएंगे? हम जो सुनेंगे, जो चीज देखेंगे, वही करेंगे ना। तो सबसे पहली आपसे भी और उन तमाम बच्चों से जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ये जो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, देखिए एंटरटेनमेंट गलत नहीं है, आप एंटरटेनमेंट होइए, लेकिन केवल एंटरटेनमेंट ही आप होते रहेंगे तो क्या खाक सीखेंगे और बाद में आप बोलेंगे मैं कुछ कर नहीं सका चूंकि वहां से हूं, मैं कुछ कर नहीं सका चूंकि ये वो ब्ला 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 एक्सक्यूजेस। गलतियां आप कर रहे हैं और ताने किसी और को दे रहे हैं, ब्लेम आप किसी और को कर रहे हैं। रिसर्च ने भी इस बात को साबित किया है कि 80% बच्चे हमारे देश में एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट ही फोन में देखते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? थोड़ा मोड़ा सरकार ले। अब इसको स्टॉप कीजिए, बहुत कम कीजिए, ना के बराबर कीजिए, क्योंकि जैसी चीजें आप सुनेंगे बोलेंगे वैसी चीजें ना, बात आ रही है समझ में? तो आप जो कुछ भी सुनते हैं वो सीखने वाली चीजें, बहुत अच्छे अच्छे इंग्लिश के स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, आप उनको सुनिए ना। मैं न्यूज को भी सुनने के लिए आपसे नहीं बोल रहा हूं, आप उन्हें सुनिए। एक कोई अपना अच्छा सा चैनल जैसे कि लर्न इंग्लिश स्पीचेज है, लर्न इंग्लिश फ्रॉम टीवी सीरीज है, और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं स्टोरीज जो है बच्चों वाली इंग्लिश की, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे आप सुनिए। कभी कभी आप एंटरटेनमेंट पे जाइए, नॉट एन इशू, लेकिन ज्यादातर आप इसे कीजिए, आप उसको सुनकर स्ट्रांग कीजिए। अगला है रीडिंग।
बहुत आपको मुश्किल लग रहा है न्यूज़पेपर पढ़ना, आप छोटी छोटी बुक पढ़िए ना, चंपक पढ़िए, आपकी रीडिंग कमजोर है तो आप पढ़ भी रहे लाउडली भी, मन ही मन भी, डिफिकल्ट वर्ड्स को आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। हिंखोज डिक्शनरी आप ऑनलाइन कल आपको मैंने डाउनलोड करवा दिया था, आप उसको डाउनलोड, उस पर लगातार देखते रहिए इन वर्ड्स को। अगला क्या है, स्पीकिंग। अब बच्चे क्या बोलते हैं कि सर मेरे पास बोलने वाला कोई है। कोई बात नहीं, मत करो, बाद में पछताएगा कौन, मैं या आप। करना प्रैक्टिस, आपने बोलते हैं ना कि जिसको कुछ करना होता है हर हाल में करके चला जाता है, जिसको नहीं करना होता है वो सिर्फ क्या देता है, बहाने, पापा को ब्लेम करता है, मम्मी को ब्लेम करता है, दुनिया को, अपने आप को ब्लेम नहीं करता है, वो सब किसको ब्लेम करता है, पूरी दुनिया। आपको बढ़ना है ना आगे, आपको अंग्रेजी सीखनी है ना, तो आप इन चीजों पे फोकस कीजिए। एक पार्टनर को आप ढूंढिए, आपको ये भी बोला मैंने बड़ी टॉक, ओपन टॉक के नाम से, जो कि अब बड़ी टॉक हो चुका है, डाउनलोड कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कभी हो सकता है गलत लोग मिले, लेकिन थोड़ी बहुत तो आप प्रैक्टिस, आप कोशिश ही नहीं करेंगे, सोचेंगे कि मैं घर में बैठा रहा हूं, लोग मेरे पास आए। मैं सबसे ज्यादा यही देखता हूं कि लोग चाहते हैं कि लोग मेरे पास आए, उठा के बिठा दे स्पून, सिल्वर के स्पून से मुझे खिला भी दे, ऐसा नहीं होता है, ये कर्म भूमि और ये चीज करना ही पड़ेगा। और ये है क्या, आपको ग्रामर, ग्रामर आप बेसिक से सीखिए। जब आप यूट्यूब पे पूरे दिन बकवास की चीजें देख सकते हैं तो क्या आप ग्रामर की वीडियो नहीं देख सकते हैं, क्या आप नाउन प्रोनाउन को अच्छा नहीं कर सकते हैं दोस्त, उसको आप अच्छे, कमिटमेंट होनी चाहिए ना दोस्त। आप इन सबके 6-7 महीने आप फोकस तो कीजिए, आप कहीं से भी हैं, कोई भी है, कहीं भी बैठते हैं, बहुत अच्छा नहीं तो कुछ तो अच्छा। वो बच्चा जो बहुत तेजी से सीखता है, अरे पागल, वो तेजी से इसीलिए सीखता है क्योंकि बचपन से बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा है, उसके मम्मी पापा इंग्लिश बोलते हैं। तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो इन बच्चों से, अपने आप को कंपेयर खुद से करो, देखो कि कल तुम क्या थे, आज कितना इंप्रूवमेंट है। दूसरे से कंपेयर करोगे तो हमेशा आपको नाकामयाबी हासिल, क्योंकि वो अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, अपना कंपेयर खुद से करना है कि पंकज कुमार गुप्ता कल कहां थे आज कहां है। गॉट इट ना, कल पंकज को सामने स्टैंड होने से थरथराहट कपकपाहट होती थी, आज कम से कम पंकज स्टैंड तो हो रहा है ना, पॉजिटिव लीजिए इसको, बात आ रही है ना समझ में। आप जब आज से 3-4 दिन पहले आए थे तो मुझे याद है वो दिन, और आज भी मैं आपको देख रहा हूं, गॉट इट ना, और इसीलिए सोचा कि ये पब्लिक में आना चाहिए ये चीजें। बी द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप शायद मेरे इस बात से एग्री हो भी सकते हैं और नहीं भी एग्री हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्री हो सकते हैं और इस बात में आपको लगता है कि दम है और सच्चाई है, तो इस चीज पर आप फोकस जरूर कीजिएगा दोस्त। आई एम 100% श्योर, ना सिर्फ आप इंग्लिश, आप अपग्रेड कीजिए अपने आप को। एक शिकायत हमेशा रहती है, बॉडी बनाने के लिए हम जिम जाते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन दिमाग नाम की जो ये ताकत है, जो दुनिया में हमको सब कुछ दिलवाते हैं, इसको ताकतवर बनवाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, खोखला करते हैं, इंफॉर्मेशन गलत ले लेकर, आलतू फालतू गाली ग्लॉस, दुनिया जहान की चीजें हम ले लेकर इसको क्या करते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और बदनाम और क्या करते रहते हैं, हम पूरी दुनिया को करते रहते हैं। तो इफ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वुड से यू टू प्लीज फोकस विद LSRW। सेटिंग थोड़ा सा उलट हो गया है, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, ग्रामर यानी कि राइटिंग, इसको हम कहते हैं LSRW प्रिंसिपल। आप सीखेंगे और बेशक सिर्फ आप इंग्लिश ही नहीं, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। माय करियर डॉक्टर ने हमेशा से इनिशिएटिव लिया है, आप यदि ऑफलाइन सीख सकते हैं तो कोचिंग पे आ सकते हैं, नहीं आप आ सकते कोई बात नहीं, मत आइए, हम आपसे नहीं बोलेंगे आने को, आप घर बैठे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, पहला होम, दूसरा वीडियो, तीसरा प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिलेगा, और वहां आप क्लिक कीजिए, एक वीडियो लिस्ट मिलेगा स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से आप उसको सीखिए। आप बोलेंगे सर हम सीख नहीं पाते, क्योंकि आपकी जो विल पावर है ना, इच्छा शक्ति, वो बहुत कमजोर है। 3 घंटे की मूवी आप देखते हैं करते रहते हैं, लेकिन आप 50 मिनट की या 20 मिनट की ग्रामर की वीडियो देखकर आप कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि आपका विल पावर बहुत ही ज्यादा वीक है। आपने गंदी इंफॉर्मेशन सुन सुनकर, अगेन आई एम सेइंग मूवीज आर नॉट बैड, वाइन्स आर नॉट बैड, कॉमेडी वीडियोज आर नॉट बैड, द वे वी वॉच इट होल डे। एक पबजी का लाइव अगर हो जाए तो 1-1 करोड़ लाइव पे देखने आ जाते हैं, लेकिन अगर एक इंफॉर्मेशन की वीडियो जाए तो कोई नहीं देखता, जबरदस्ती बिठाना पड़ता है। You getting this now? Why? Because our will power is very, very weak. तो आप यदि वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप माय करियर डॉक्टर के जरिए प्लेलिस्ट में स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आप सीख सकते हैं। लाइव क्लास भी हमारी तरफ से दी जाती है, हफ्ते में 5 दिन,
9 बजे पर डे माई के डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल और कोई डाउट है आपके, क्या आप ऐसा करेंगे यस सर करेंगे, और बाद में फिर आप ये बोलेंगे कि मैं नहीं कर सका चूंकि मैं बिहार से हूं या बिहार बोर्ड से हूं, यही बहाने आप देंगे, ये बताइए आप मुझे, ये बहाने देंगे आप? ताकतवर बनाएंगे अपने आप को या दुनिया को ब्लेम करेंगे और बहाने देंगे? नहीं सर, ताकतवर बनाएंगे। बनाएंगे आप ताकतवर? कसम से, कसम से आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं, 6 महीने के बाद मैं आपकी परफॉर्मेंस चेक करूंगा और फिर दोबारा आपको यहाँ आना है और जबरदस्त आपको अंग्रेजी बोलनी है, सबका मुंह चुप करवाना है। प्रॉमिस? प्रॉमिस, हैंडशेक। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गॉट इट? जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।